प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है हमारा न्यायपालिका, जुडिशरी। यह हमारे जो फर्स्ट पेपर है उसकी जो सेकंड यूनिट है उसका ये अंतिम अध्याय है, और इस अध्याय के साथ ही क्या है, सेकंड यूनिट समाप्त हो जाएगी। न्यायपालिका का जो ये चैप्टर है, आज हम इसमें हम उसका अर्थ, महत्व और कार्य के बारे में जानकारी लेंगे। आधुनिक लोकतंत्रीय शासन व्यवस्थाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के मजबूत स्तंभ पर निर्भर हैं। सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए कानून ही सबसे महत्वपूर्ण साधन है, और इन कानूनों के अनुसार न्याय करने का कार्य न्यायपालिका का होता है। न्यायपालिका केवल नागरिकों के बीच उठने वाले विवादों का ही निर्णय नहीं करती, अपितु वह उन मुकदमों का भी फैसला करती है जो नागरिकों व राज्य के बीच तथा संघात्मक देशों में केंद्र व उसकी जो इकाइयां हैं, जैसे भारत में राज्य है, उनके बीच जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनका भी निपटारा करता है। यदि हम न्यायपालिका के अर्थ के बारे में देखें तो इसमें दो परिभाषाएं दी गई है, एक तो लास्की के द्वारा और एक क्या है, वाल्टर एच हैमिल्टन के द्वारा। साधारण अर्थ में कानून की व्याख्या करने व उसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने वाली जो संस्थागत व्यवस्था होती है उसको हम न्यायपालिका कहते हैं। लास्की के अनुसार न्यायपालिका एक राज्य की न्यायपालिका अधिकारियों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिनका कार्य किसी कानून के उल्लंघन की शिकायत का समाधान व फैसला करना है। इसके साथ ही वाल्टर एच हैमिल्टन जो हैं वो कहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया न्यायाधीशों के द्वारा मुकदमों का निर्णय करने की मानसिक प्रविधि है। इस प्रकार न्यायपालिका नागरिकों के समस्त प्रकार के विवादों का समाधान करने और सामाजिक जीवन को अनुशासित कर उसमें सुव्यवस्था स्थापित करने के महत्वपूर्ण कार्य का निष्पादन करती है। अब हम न्यायपालिका के महत्व के बारे में देखते हैं अर्थ के पश्चात। प्राचीन काल से ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बहुत अधिक बल दिया जाता रहा है। राज्य के आदिकाल से लेकर अब तक के किसी न किसी रूप में न्याय विभाग का अस्तित्व सदैव विद्यमान रहा है। डॉक्टर गार्नर ठीक कहते हैं कि न्याय विभाग के अभाव में एक सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई भी समाज बिना विधानमंडल के रहता है यह बात समझ में आ सकती है, लेकिन किसी भी समय ऐसे राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें न्यायपालिका की कोई व्यवस्था नहीं हो। इसके साथ ही मैरियट न्यायपालिका के महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सरकार के जितने भी मुख्य कार्य हैं उनमें निसंदेह न्यायिक कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा संबंध नागरिकों से होता है। चाहे कानून के निर्माण की मशीनरी कितनी ही विस्तृत और वैज्ञानिक हो, चाहे कार्यपालिका संगठन कितना भी पूर्ण हो, परंतु फिर भी नागरिक का जीवन दुखी हो सकता है और उसकी संपत्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। यदि न्याय करने में देरी हो जाए या न्याय में दोष रह जाए अथवा कानून की व्याख्या पक्षपातपूर्ण या भ्रामक हो, तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति क्या है, दुखी हो सकता है। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि किसी शासन की श्रेष्ठता को जांचने के लिए उसकी न्याय व्यवस्था की निपुणता से बढ़कर और कोई अच्छी कसौटी नहीं है, क्योंकि किसी और चीज़ से नागरिक की सुरक्षा और हितों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना उसके इस ज्ञान से कि वह एक निश्चित शीघ्र पक्षपात रहित न्याय शासन पर निर्भर रह सकता है। लॉर्ड ब्राइस ने अपने इस विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि कानून का सम्मान तभी होता है जब यह निर्दोष व्यक्तियों की रक्षा के लिए ढाल बन जाता है और प्रत्येक नागरिक के निजी अधिकार का निष्पक्ष संरक्षण करता है। यदि अंधेरे में न्याय का दीपक बुझ जाए तो उस गहन अंधकार का अनुमान लगाना कठिन है। इसीलिए न्यायपालिका जो है नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं और संविधान की संरक्षक मानी गई है। न्यायपालिका अभाव में समाज में चोरों, डाकुओं तथा समाज कंटकों का सज्जनों और निर्बलों की संपत्ति पर अधिकार हो जाएगा।
इससे समाज में अन्याय फैल जाएगा। अतः किसी भी प्रजातांत्रिक राज्य में समाज और शासन को मर्यादित रखने के लिए न्यायपालिका का महत्व तो सर्वोपरि है। निष्पक्ष और शीघ्र सुलभ न्याय ही लोकतंत्र को साकार कर सकता है। सभी लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को विभिन्न मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका का अस्तित्व आवश्यक है, अन्यथा मौलिक अधिकार निरर्थक हो जाएंगे। संघात्मक देशों में तो स्वतंत्र न्यायपालिका की उपस्थिति और भी जरूरी है। इन देशों में न्यायपालिका केंद्र सरकार और उसकी इकाइयों, जिसको हम भारत में राज्य कहते हैं, और उसके भी आगे विभिन्न इकाइयों के मध्य जो भी विवाद होते हैं उनका समाधान करती है। आधुनिक युग में न्यायपालिका का महत्व इतना बढ़ गया है, यहाँ तक कि सर्वाधिकारवादी व्यवस्था वाले देशों में भी, जहाँ न्यायपालिका का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, न्यायपालिका को इसीलिए स्वीकार किया जाता है ताकि शासन व्यवस्था के प्रति नागरिकों में संतुष्टि की भावना बनाए रखी जा सके। सोवियत रूस, साम्यवादी चीन व उनके अनुसमर्थक देशों में भी न्यायपालिका का महत्व इस बात का प्रमाण माना जाता है कि नागरिकों, सरकार और राज्य की गरिमा को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका बहुत जरूरी है। अब हम न्यायपालिका के अर्थ और महत्व के पश्चात न्यायपालिका के कार्यों को देखते हैं। न्यायपालिका जो है, किसी भी देश की न्यायपालिका अपनी राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति और मांग के अनुसार विभिन्न कार्यों का निष्पादन करती है। दूसरे शब्द में, विभिन्न व्यवस्थाओं में कार्यरत न्यायपालिका के कार्यों को उस देश के संविधान की प्रकृति, उस देश की राजनीतिक प्रणाली का स्वरूप, राजनीतिक सत्ता की संरचना और उसमें न्यायपालिका का संगठन आदि अनेक कारण प्रभावित करते हैं। संविधान का लचीला या अचल होना अर्थात कठोर होना, राजनीतिक व्यवस्था का एकात्मक या संघात्मक होना, उनका लोकतांत्रिक या तानाशाही होना न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र को एक सीमा तक प्रभावित और निर्धारित करता है। फिर भी न्यायपालिका के इन विभिन्न प्रभावी कारकों की उपस्थिति के बावजूद कुछ सामान्य कार्यों का हम उल्लेख कर सकते हैं जो इस प्रकार से है। पहला जो न्यायपालिका का कार्य है वो है कानूनों की व्याख्या। यह न्यायपालिका का सर्वोपरि महत्व का कार्य है। व्यवस्थापिका के द्वारा जिन विधियों का निर्माण किया जाता है उनके अर्थ का स्पष्टीकरण कानूनों की व्याख्या के कार्य के अंतर्गत न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। कानूनों की भाषा अनेक बार विवादास्पद होती है, जिनके अर्थ के बारे में विभिन्न पक्षों में सहमति नहीं हो पाती है। इस प्रकार की परिस्थितियों में कानूनों की आधिकारिक व्याख्या का कार्य न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। अपने इस कार्य के अंतर्गत न्यायपालिका कानून विषयक संदेहपूर्ण परिस्थितियों की निश्चित व्याख्या कर उनके स्पष्टीकरण के द्वारा कानून के क्षेत्र को व्यापक बना देती है। इसके पश्चात जो अगला कार्य है वो है नागरिक अधिकारों की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। न्यायपालिका देश के लोगों के, नागरिकों के अधिकारों की रक्षक मानी जाती है। देश की सामान्य विधि के द्वारा नागरिकों को जो भी अधिकार मिले हैं वे नागरिक अधिकार कहलाते हैं, जैसे नागरिकों द्वारा राइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तथा विवाह का जो अधिकार है, ऐसे नागरिक अधिकार हैं जिनके पालन कराने या उनकी अभिरक्षा का उत्तरदायित्व न्यायपालिका वहन करती है। इसके पश्चात जो अगला कार्य है वो है अभियोगों का निर्णय, डिसीजन ऑफ केसेस। केसेस को हम अभियोग कहते हैं। न्यायपालिका का मौलिक दायित्व कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को दंडित करना है। व्यवस्थापिका के द्वारा पारित और कार्यपालिका के द्वारा जो लागू की गई विधियां हैं उनकी अवहेलना करने वाले नागरिकों के विरुद्ध अभियोग अर्थात केस प्रस्तुत करना है। उनका निर्णय न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा नागरिकों के जो आपसरी में झगड़े हैं, नागरिकों और सरकार के बीच में उत्पन्न जो विवाद हैं, वो भी क्या है, न्यायपालिका में वाद के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं और उनका निर्णय क्या है, न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। अगला जो कार्य है संविधान की संरक्षक, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सभी लोकतंत्रीय देशों में न्यायपालिका उस देश में जो भी संविधान लागू है उसकी संरक्षक मानी जाती है।
सरकार के व्यवस्थापिका और कार्यपालिका निकाय शासन संबंधी जो भी कार्य करते हैं वे संविधान के अनुसार है या नहीं, उनके कार्यों में संविधान की भावना और प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, ये देखना न्यायपालिका का कार्य है। संघात्मक देशों में तो संविधान के द्वारा ही केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का क्या है विभाजन किया जाता है। अतः न्यायपालिका इस तथ्य को भी देखती है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अपने कार्यों से शक्ति के विभाजन की जो योजना है उसको कोई चुनौती तो नहीं दी गई है। संविधान की रक्षा के लिए अमेरिका में 1803 में मुख्य जो न्यायाधिपति मार्शल ने मार्बरी बनाम बैंडिसन विवाद में यह निर्णय दिया था कि उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसको यह अधिकार है कि वह यह देख सके कि कांग्रेस जो अमेरिका की संसद है उसके द्वारा जो पास किया गया कानून है वो संविधान के अनुसार है या नहीं। न्यायपालिका के इसी अधिकार को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कहा जाता है, जिसकी प्रत्यक्ष व्याख्या हम आगे की वीडियो में या क्लासेस में करेंगे। इसके पश्चात जो अगला कार्य आता है मौलिक अधिकारों की अभिरक्षक। आधुनिक विश्व के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में संविधानों के द्वारा देश के लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इन लोकतांत्रिक देशों में देश की न्यायपालिका संविधान के द्वारा जो ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनकी वो रक्षा करती है। यदि सरकार या सरकारी पदाधिकारी या कोई संस्था या कोई नागरिक इन मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो वह व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों को क्षति या नुकसान पहुंचा है वह देश की न्यायपालिका में अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है। भारत में राज्य के उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों में इस प्रकार के मामलों की सीधी सुनवाई किए जाने का प्रावधान है। भारत का संविधान इन दोनों न्यायालयों को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका सुनने का प्रारंभिक क्षेत्रीय अधिकार प्रदान करता है। कोई भी पीड़ित नागरिक असाधारण उपचार के अंतर्गत इन न्यायालयों के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार प्रचार परमादेश निषेधाज्ञा और उत्प्रेषण की जो रिट हैं जिनको लेख भी कहते हैं उनको जारी करने की प्रार्थना कर सकता है। इसके बाद में अगला एडवाइजरी जो है फंक्शन परामर्श संबंधी अधिकार है। अनेक देशों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि देश की कार्यपालिका कोई संवैधानिक या विधि संबंधी मामला जो है विषय है उस पर भ्रम की स्थिति हो तो न्यायपालिका से सलाह मांग सकती है। जैसे भारत के संविधान में यह व्यवस्था है यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह लगे कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा विषय उत्पन्न हो गया है अथवा उसके उत्पन्न होने की संभावना है जो इस प्रकार का और ऐसे संवैधानिक महत्व का है उस पर उच्चतम न्यायालय की राय करना जरूरी है तो वह उस प्रश्न को उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए सौंप सकता है तथा वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जैसी जैसा वो उचित समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय देता है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे केंद्र राज्य या एक से अधिक राज्यों के बीच में कोई भी विवाद का प्रश्न है उसके मामले पर उच्चतम न्यायालय से राय मांग सकता है। इस प्रकार के अधिकार अन्य देशों में भी हैं। इंग्लैंड में सरकार प्राय वैधानिक और कानूनी प्रश्नों पर प्रिवी काउंसिल जो है उसकी न्यायिक समिति से परामर्श लेती थी। कनाडा में सर्वोच्च न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह गवर्नर जनरल को कानूनी परामर्श दे। ऑस्ट्रिया पनामा बुल्गारिया स्वीडन ये जो देश हैं इनमें भी इस प्रकार की व्यवस्था है। इसके पश्चात जो अगला कार्य है वो है क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों का निर्णय करना। केंद्र और राज्यों के बीच में जो क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद हैं उनके बारे में सभी संघीय देशों में केंद्र व उसकी इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा किया जाता है। ऐसे देशों में इस बात की संभावना सदैव बनी रहती है कि केंद्र और राज्यों के बीच में क्षेत्राधिकार के प्रश्न को लेकर विवाद हो। इस प्रकार के विवादों के निर्णय का कार्य उस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। भारत तथा अमेरिका में उच्चतम न्यायालय को इस प्रकार के विवादों का निर्णय करने का अधिकार दिया गया है। इसके पश्चात जो अगला कार्य है विविध कार्य है मिसलेनियस। न्यायपालिका अन्य अनेक प्रकार के छोटे छोटे कार्यों का निष्पादन भी करती है, जैसे जो अल्पवयस्क है उनके संपत्ति के लिए संरक्षक अथवा प्रन्यासी जिसको हम ट्रस्टी कहते हैं उनको नियुक्त कर सकती है, वसीयतनामा को पंजीकृत करती है, ऐसे मृत व्यक्तियों की संपत्ति का प्रबंधन करती है जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं हो। जो कंपनी अपने आर्थिक उत्तरदायित्व या लाइबिलिटीज़ को पूरा करने में असमर्थ हो उनके लिए जो रिसीवर हैं उनको नियुक्त कर सकती है। इसके अलावा लाइसेंस जारी करना, विदेशियों को नागरिकता देने के लिए प्रमाण पत्र देना,
नागरिकों को जो विवाहों की स्वीकृति देना, रूस जैसे समाजवादी राज्यों में जो न्यायाधिकारी वर्ग है उसके द्वारा क्रांति के रक्षक का कार्य भी किया जाता है। न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह अपने कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं करती है। भारत में संविधान उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह अपने पदाधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधिपति अथवा उसके द्वारा जो भी निर्देशित उच्च न्यायालय के जो न्यायाधिपति हैं या पदाधिकारी के द्वारा की जा सकती है। न्यायपालिका विदेशी अपराधियों का जो प्रत्यर्पण है उससे संबंध भी निर्णय करती है। वर्तमान समय में न्यायालयों के द्वारा निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय भी किया जाता है। भारत में यह भी प्रावधान है कि निर्वाचन संबंधी जो अर्जी है उसका विचार जो है वो प्रारंभिक रूप से क्या है, उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के द्वारा किया जा सकेगा। इस प्रकार से न्यायपालिका के जो कार्य हैं उनको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से उल्लेखित कर सकते हैं। आपको यदि इसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न हो या जिज्ञासा हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।